अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसबा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसबा मुदस्सिर। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खरवाफे से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर करे। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको साबे औलाद अता फरमाए। आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सुबह का आगाज हो चुका है तो ये सफाई वगैरह मैं सब कर चुकी हूँ। वैसे भी दिखाती हूँ सफाई मैंने सब कर ली है। अच्छा, जब भी मैंने वीडियो ऑन करनी है ना स्कूल में पापा क्या कह रहे थे, वीडियो में मिलावट की चीजें ज्यादा होती हैं। मशीन आज मैंने निकाली थी बाहर ताकि इसको थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूँ। ये काफ़ी भारी चलती है और सही टांका जो है वो भी टाप करती है। मेरी बेटी ने इसके ऊपर पानी डाल दिया। मैं तो हेड हो जाऊँ सीधी होकर। तो अभी पिला रही हूँ मैं अपनी बेटी को दूध। ऐसे अभी नहला के फ्री हुई थी तो अब दोपहर के हो चुकी हैं 12:30। तो मैंने कहा खाना बनाने से पहले इसे नहला के दूध पिला के सुला दूँ, क्योंकि ये सो जाती है तो काम काफ़ी हल्का हो जाता है, नहीं तो फिर ये रोती रहती है और फिर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी ऐसे ही दूध पिएगी तो इसको फिर मैं सुला दूँगी। आज हम बना रहे हैं साग। तो ये मैं अभी साग काट के हटी हूँ। ये देखें मेरे हाथ अभी भी ग्रीन ग्रीन हुए पड़े हैं। और मैं दिखाती लैका मेरी पुत्ती चली गई। तो आज बना रहे हैं साग। हाँ जी हाँ जी, मेरा बहुत गन्ना खा रहा है, मेरा बहुत गन्ना खा रहा है। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। तो हम इसमें डालते हैं हल्दी। इसके नीचे जब साग बनाए बड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि साग में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लेनी होती हैं। गैस से हम इसलिए नहीं बनाते, गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसलिए हम लकड़ियाँ लगा देते हैं। ये देखिए एक लकड़ी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, दूसरी फिर लगा दी है। तो अभी हमने मेहमानों के लिए मंगवाए थे समोसे और चाय, उन्होंने तो खा पी ली है। अभी मैं खा रही हूँ। इनला सिस्टर हैं वो जा रही हैं। अच्छा अपने मोटरसाइकिल दे आओ ते बैग चलने तोनी चली जाना। चलो भाई चलो मामा इधर ही है। दादी तो उधर चली है।
जैसे ये वाला दुपट्टा इधर अभी लगा हुआ था वो लीलन का है। कोई नहीं, बंदे को है ही है माशाल्लाह, थोड़े कपड़े मोटे हैं। आप फ्रेम में भी इतने सिलाई किए हुए हैं, दूसरे भी तो है ना करवाए हुए हैं जो मामा ने। अब ठंड होगी वही पहने जाने, आप जो सर्दी में कोई आके देख ही ले कितनी बेइज्जती की बात है। अगर लॉन का सूट पहना है फिर अगली गर्मियों में पहन लीजिए तो क्या हो जाए। ये फिर मेरे को पैदा नहीं काटन तरह नहीं होया पता नहीं देखे मोटा, लेकिन फिर भी वो आगे तो मोटा लगता है ना। ये तो पतला कोई आई जगह ना इतनी ठंड हो जाती तो आपने लॉन पहनी। तो चाय हमने बना ली है, ये देखिए तारा ने चाय। तो ये हमारी चाय बन चुकी है, अब तो ठंडी कर देने पी के चल जा। ते वही आया हुआ ना जी, नहीं आवाज ना उसकी आ रही थी जो उस दिन अपनी दीदी को पता नहीं कैसी बातें कर रहे थे उनकी, आने रही थी जान नहीं थे जा रहा। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ
रोटियां बन चुकी हैं। साग हो चुका है हमारा रेडी। अब इसके ऊपर हम डालते हैं धनिया। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आपको हमारी आज की रूटीन कैसी लगी और साग किस किस का फेवरेट है। मेरा तो सर्दियों का फेवरेट साग है और ये मेरी सर्दियों की फेवरेट डिश है, एक साग। और आप भी ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बस आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है, बस आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करते रहें। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।